नागपुर महानगर पालिका द्वारा OCW नामक कंपनी महानगर में जल वितरित करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनियमित पानी वितरण साथ ही साथ निर्माण कार्य के नाम पर चलते रास्तों के बीच गड्ढे करने का सिलसिला जारी हो चुका है, जिसके कारण जनजीवन काफी त्रस्त है। जिस OCW ने जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी, आज वह वादा बस कागजों पर सीमित है। ऐसी असंतोषजनक प्रतिक्रिया देते हुए विधायक विकास ठाकरे ने जल प्रदा अधिकारी श्वेता बनर्जी के तबादले की मांग की, साथ ही साथ इस व्यवहार को प्रशासक और OCW के मनमाने व्यवहार की उपमा देते हुए सुशासन की मांग की, अन्यथा बड़ी मात्रा में आंदोलन किया जाएगा, यह सूचक इशारा ठाकरे ने दिया। आंदोलन के दौरान भारी मात्रा में प्रशासक विरोधी नारे दिए गए और मटका फोड़कर निषेध व्यक्त किया गया। इस वक्त पुलिस द्वारा कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। नागपुर महानगर पालिका में प्रशासक है और ये प्रशासक के कार्यकाल में नागपुर शहर के लोगों का जीना हराम हुआ है। आप देखते होंगे कि जल प्रदाय विभाग ने OCW कंपनी को इतनी छूट दे रखी है, रास्ते पर कहीं भी खड्डा करते हैं वो बगैर बुझाए चले जाते हैं और लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा अमृत योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन डाली जा रही है, वो पाइपलाइन के वजह से रास्ते कट गए हैं, मगर यहाँ पे श्वेता बनर्जी नामक जल प्रदाय विभाग की अधिकारी है जिसका इसके तरफ ख्याल नहीं है। ठेकेदारों के साथ इनका संगनमत है और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारी को बदलना चाहिए, इनसे काम निकाल लेना चाहिए। यह मांग हमारी है और नागपुर जनता के शहर की जनता को राहत देना।